आपको कुसुम सरोवर कुंड बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आज आपको श्याम कुंड, राधा कुंड और कुसुम सरोवर का व्यू देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए एंड तक हमारे साथ। राधे राधे राधे। ये देखिए भक्त आ रहे हैं राधा कुंड से और वहाँ पे दर्शन करके आ रहे हैं सभी लोग। गाइस, खूबसूरत दृश्य यहाँ राधा कुंड का, और बहुत बड़ी मान्यता भी है यहाँ। मैं आपको बताऊंगा यहाँ के बारे में। देख रहे होंगे हमारे जस्ट पीछे राधा कुंड है, और अभी हम राधा कुंड के दर्शन करेंगे और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। गाइस, अब हम नीचे उतर रहे हैं राधा कुंड के लिए। जल का छीटा लगा रहे हैं ये। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोमती, गोदावरी, राधा कुंड, श्याम कुंड, चरण कमल भी हो। थोड़ा आंखों से लगा लो, मुख में डाल लो। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, श्री चरणों की भक्ति दो अपने धाम में, वृंदावन धाम बारम्बार बुलाते रहो। हे प्रभु, जाने जाने में कोई भी पाप दोष बना हो, क्षमा करो, अपनी भक्ति प्रदान करो, हमारी यात्रा सफल करो, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि करो, वंश की वृद्धि करो, लक्ष्मी का वास करो। ये देखिए गाइस, मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ राधा रानी के कुंड का, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ का, और बहुत ही खूबसूरत ये कुंड। और पंडित जी से जानेंगे यहाँ की, यहाँ की खास थोड़ी महिमा बताएं, यहाँ की क्या लीला है। जी पंडित जी, बताइए राधा रानी कुंड की कुछ खास कथा बताएं। राधा कुंड है जी, यहाँ भगवान कृष्ण जो है जी गऊ बछड़े लेकर के जी यहाँ घूमने चराने आते थे जी। गऊओं की यहाँ पे मंडली रहती थी, जंगल था ये पहले जी। इस जंगल का नाम था अरिष्ट वन जी। इस अरिष्ट वन में एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस रहता था जी, और वो कंस से उसकी मित्रता थी जी। भगवान ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, उतना अगासुर, बकासुर, धनकासुर, और उसके बाद अरिष्टासुर नाम का राक्षस जो आया भगवान के गाय बछड़ों में बछड़े के रूप रख करके आया, बैल बन करके आया जी। ये कथा भागवत में भी आती है जी। तो भगवान ने, भगवान तो अंतर्यामी थे, प्रभु मनुष्य रूप में लीला कर रहे थे। ब्रजवासी उस बैल को नहीं समझ पाए, तो ब्रजवासियों को जब मारने के लिए वो बैल उद्यत हुआ, तो ब्रजवासियों ने कहा, गोल वालों ने भगवान से कि अरे कन्हैया, ये बिजार हमारा नहीं है, ये कहीं से आए हुए और ये हम सबको परेशान कर रहे हैं। तो भगवान अंतर्यामी सब जान गए, और भगवान ने बाघ को सींग पकड़ के यही बंद कर दिया। बद करने पे भगवान को ब्रह्मा, ये राधा रानी कुंड कैसे बनाए, इसकी की था मैं बता रहा हूँ मैं जी। तो भगवान ने बद कर दिया, तो भगवान को ब्रह्मत्या लगी। गौ ब्राह्मण हिताहिता जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर राधा रानी आई, ब्रज गोपी आई, ब्रजवासी आए, उन्होंने कही हे गोविंद, आपने तो गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए अवतार लियो, आपने तो अपराध कर दियो, आपको प्राचित करना पड़ेगा। तो भगवान से प्राचित करने के लिए तो आप कई सवन ने तो बोले 68 कोट तीर्थों में स्नान करोगे तो ये ब्रह्म हत्या छूटेगी। तो भगवान बोले वृंदावनम परित्यजम पादमिकम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकता, ये तो मुझे हृदय है और मैं इस हृदय को कभी शरीर से अलग नहीं कर सकता। तो भगवान ने सब तीर्थों का आह्वान किया और सारे तीर्थ यहाँ आए, और सारे तीर्थों ने यहाँ भगवान का अभिषेक किया। उस रात्रि को 12 बजे अहोई अष्टमी की रात्रि के 12 बजे भगवान का अभिषेक हुआ। फिर सब तीर्थों ने भगवान उस राधा रानी से कहा, ये राधे एक प्राण दो दे और राधा कृष्ण सने, आप जो अपराध कृष्ण को है वो राधा को भी थोड़ा सा उसका प्राचित करना होगा। तो राधा रानी ने कंगन से कुंड बनाया, और कंगन से कुंड बना के फिर राधा रानी ने अपना अभिषेक कराया। फिर राधा रानी के कुंड में जल थोड़ा था, तो भगवान ने बंसी से अपने कुंड का जल राधा कुंड में मिला दिया, इसलिए ये दोनों कुंड एक दूसरे में समाहित हो गए। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त यहाँ अपनी मनोकामना के लिए आएगा, संतान के लिए सबसे पहले संतान की प्राप्ति होगी यहाँ, और जो भी जिस कामना भावना से यहाँ पूजा करता है, अर्चना करता है, वंदन करता है, प्रार्थना करता है, उसकी समस्त कामना पूर्ण होती है। ये देखिए गाइस, मैं आपको राधा कुंड के दर्शन करा रहा हूँ, और इसके बाद अब जा रहा हूँ श्याम कुंड की तरफ आएंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, और रात में हम यहाँ राधा कुंड के दर्शन कर रहे हैं और श्याम कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और मंकी बहुत हैं यहाँ पे, तो उनसे भी थोड़ा डर लग रहा है। हम आ चुके हैं श्याम कुंड, और इधर राधा कुंड है और इधर श्याम कुंड है, तो ये बीच में मंदिर है। तो हम आ चुके हैं श्याम कुंड, और अभी प्रभु के दर्शन करेंगे, उसके बाद में आपको श्याम कुंड का भी पूरा व्यू दिखाते हैं।
और गाइस ये श्याम कुंड है और मैं आपको दिखा रहा हूँ श्याम कुंड। बहुत ही अद्भुत कहानी है यहाँ की। ये देखिए बहुत ही अद्भुत कहानी है यहाँ की। ये देखिए ये श्याम कुंड है और इधर राधा कुंड। ये देखिए राधा जी ने अपने कंगन से अपने कड़े से ये कुंड बना दिया था और राम भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से ये कुंड बनाया था। आप बताइएगा कि राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करके आपको कैसा लगा और ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस आप देख रहे होंगे मेरे पीछे राधा कुंड है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मान्यता है यहाँ पे। यहाँ पे बताया जाता है कि करवा चौथ से पहले अगोई आठवें का जो व्रत आता है वो अक्सर महिलाएँ अपने संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं और ये मान्यता है यहाँ पर कि अगोई आठवें की रात के 12 बजे जो महिला यहाँ कुंड में नहाती है तो संतान प्राप्ति के लिए तो उसकी इच्छा जरूर पूर्ति होती है और ये बहुत बड़ी मान्यता है और बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसको भी संतान प्राप्ति की इच्छा है वो यहाँ ज़रूर आएँ और राधा कुंड में दर्शन करें और अगोई आठवें की खासकर रात के 12 बजे नहाएं और अपने जो संतान प्राप्ति की जो इच्छा है उसको रखें। राधा रानी की कृपा से वो इच्छा जरूर पूरी होगी ऐसी मान्यता है यहाँ के लोग बताते हैं और यहाँ पर पंडित जी ने भी बताया। गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ कुसुम सरोवर कुंड का दृश्य। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मनमोहक है और बहुत ही शानदार है। ये देखिए कुसुम सरोवर कुंड। जब आप गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगे गोवर्धन जी की तब आपको रास्ते में ही ये पड़ेगा और ये रात का सीन है। ये ब्लॉग यहीं तक था। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए नए ब्लॉग देखने के लिए इस ब्लॉग को शेयर भी कीजिएगा। सो थैंक यू। जय हिंद।